हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी कक्षा 6वीं की विज्ञान के बारे में, साइंस के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग अपने 6 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। ये 7वां चैप्टर है आपका। इसमें बात करेंगे पौधों को जानना है हमें, किन्हें पौधों को जानना है। याद रखिए, मैं फिर से आपको वही सलाह दूंगा कि इन्हें कहीं से भी डाउनलोड करके, या मैंने पीडीएफ डाल भी दी थी वैसे भी टेलीग्राम पर, तो वहाँ डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग एक दो बार पढ़ेंगे आराम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें समझाने लायक कुछ भी नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाऊँगा, मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तो उठाया है, तो मुझे तो पूरा करवाना है, तो मेरी तो मजबूरी है कि छोड़ भी नहीं सकते हैं ना। कक्षा 6वीं से आप लोगों से जो वादा किया था उसे पूरा करना है। तो अगर आप लोग पढ़ते हो खुद से तो वो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे ज़्यादा टर्म्स नहीं है जो कठिन हो कि समझने लायक ना हो। तो इसलिए आप लोग वहाँ से जल्दी ख़त्म कर दीजिए। 8 तक की जो भी आपकी बुक्स हैं, इन्हें एक सप्ताह, बहुत से बहुत एक सप्ताह में ख़त्म कर देनी चाहिए आपको। ठीक, तो चलिए हम 7वां चैप्टर देख लेते हैं, पौधों को जानना है। बाहर निकल निकल कर अपने चारों ओर पौधों को का परीक्षण कीजिए। क्या आप देखते हैं कि कुछ पौधे छोटे, कुछ विशालकाय, जबकि कुछ धरती पर हरे धब्बों की तरह दिखाई देते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं, जबकि कुछ की पत्तियां ललिमा युक्त होती हैं। कुछ पौधों के फूल बड़े एवं लाल होते हैं, कुछ नीले, तथा कुछ पौधों के में पुष्प ही नहीं होते हैं। आपने अपने घर के आसपास, विद्यालय के रास्ते में, बाग बगीचे एवं विद्यालय प्रांगण में अनेक हरे पौधे देखे होंगे। आइए हम पौधे के विभिन्न भागों के विषय में जानें, इससे हमें विभिन्न प्रकार के पौधों के बीच अंतर समझने में सहायता मिलेगी। पौधे के तने, शाखाओं, जड़ें, पत्तियां इत्यादि को नामांकित करना है। ये है आपका, ठीक है, इसे देख लीजिए। ये जड़ें हो गई आपकी, ये पत्ते हो गए, ये तने। उन पौधों के तने और शाखाओं को ध्यान पूर्वक दीजिए, देखिए, जो आपसे कम लंबे हैं, जिनकी लंबाई लगभग आपके बराबर है, जो आपसे बहुत अधिक लंबे हैं। तने को स्पर्श कीजिए तथा यह जानने के लिए कि तना कोमल है अथवा कठोर है, इसे धीरे से एक ओर मोड़ना का प्रयास करें। ध्यान रखें कि यह टूटे नहीं। लंबे पौधे के तने की मोटाई मापने का प्रयास करें। पौधों के संवर्ग, ये पौधों के नाम हो गए, ऊंचाई हो गई, हरा कोलम तना हो गया इसका, और शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, ये पौधे के संवर्ग। तो टमाटर, जैसे कि टमाटर ऊंचाई में छोटा होता है, ये हरा होता है, कोमल होता है, ठीक है, पौधे का संवर्ग होता है शाख। इसी तरह से देख लेना। हमें यह भी जानना चाहिए हमें कि शाखाएं भूमि के पास के तने के आधार से अथवा कुछ ऊंचाई के बाद निकलती हैं। हम पीछे सभी पौधों की को सारणी एक में साथ एक में वर्गीकृत करेंगे। कुछ उदाहरण दिखाइए। आप और अधिक पौधों के लिए एक और दो और तीन कॉलम को भर सकते हैं। इस अनुच्छेद के बाद अंश को पढ़कर कॉलम 4 को भरें। पौधों को कम से कम क्षति पहुंचे, इसलिए आप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह का में कार्य कर सकते हैं। कोमल तने वाले पौधों के अध्ययन के लिए खरपतवार का प्रयोग कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि खरपतवार क्या है? खेतों में बगीचों एवं गमलों में कुछ अनचाहे पौधे स्वतः ही उगाते हैं। क्या आपने किसानों को इस खरपतवार को खेतों से उखाड़ते हुए देखा है? इन लक्षणों के आधार पर हम अधिकांश पौधों को 3 संवर्गों में वर्गीकृत करते हैं। ये संवर्ग है आपके शाख, झाड़ी, वृक्ष, ठीक है। हमें हरे एवं कोमल तने वाले पौधे शाख कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर इनमें कई शाखाएं होती हैं, ठीक है। ये आपका शाख है, ये, और झाड़ी आपकी है बी वाला, ठीक है, तो और वृक्ष है आपका सी वाला, ठीक। पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है,
परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इन्हें हम लोग झाड़ी कहते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तनु सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष। उपयुक्त अभिलक्षणों के आधार पर क्या आप सूचीबद्ध पौधे को वर्गीकृत कर सकते हैं? कमजोर तने वाले पौधों सीधे खड़े नहीं हो सकते और ये भूमि पर फैल जाते हैं। इसे हम लोग विसर्पी लता कहते हैं। जबकि पौधों की सहायता से ऊपर चढ़ जाते हैं। ऐसे पौधे अरोही कहलाते हैं। ये झाड़ साग झाड़ी पेड़ों से भिन्न है। संभवतः आप अपने विद्यालय अथवा घरों पर कुछ पौधों की देखभाल करते होंगे। अपने घर अथवा विद्यालय में पाए जाने वाले वृक्ष झाड़ी विसर्पी लता के दो दो पौधे के नाम बताना याद रखिए। अब जैसे यहाँ आपने देखा होगा कुछ पौधों में शाखाएं तने के आधार के समीप से निकलती हैं। तना कठोर होता है परंतु अधिक मोटा नहीं होता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? झाड़ी। अब झाड़ी की परिभाषा एक लाइन में दे दी उन्होंने बहुत ही सिंपल शब्दों में। अब देखिए वृक्ष की परिभाषा क्या दी गई हो। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं तथा इनके तने सुदृढ़ एवं गहरे होते हैं। इनकी शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपर ऊपरी भाग से निकलती है। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वृक्ष कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तना। अपने आसपास के पौधों को देखें तथा उनके तने पर पाई जाने वाली विभिन्न संरचनाओं एवं भागों का को देखें। अपने अवलोकन की तुलना अपने साथी द्वारा किए गए अवलोकन से करें। आपने क्या देखा? तने में पत्तियां शाखाएं कला कली फल फूल होते हैं। तना क्या कार्य करता है? गिलास को एक तिहाई जल से भरें। जल में लाल स्याही की कुछ बूंदे डाल दें। शक के तने को गिलास में रख दें जैसा आपने चित्र इसमें रखा हुआ है 7.6 में। अगले दिन इन शाखाओं का अवलोकन करें। क्या शाख के कुछ भाग लाल नजर आते हैं? आपने देखा कि तने में रंग ऊपर चढ़ गया। अगर इसे लंबे समय तक रखा जाए तो रंग पत्तियों और सिराओं में भी आ जाता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि यह लाल रंग यहां तक कैसे पहुंचा? इसकी क्रियाकलाप में हमने देखा कि जल तने में ऊपर की ओर चढ़ता है। तना जल का संवहन करता है। लाल स्याही की भांति जल में विलीन खनिज जल के साथ तने में ऊपर पहुंच जाते हैं। ठीक है, इस तरह है जैसे हमारे शरीर में हर भाग तक जो आपका खनिज होता है या मतलब कुछ भी होता है प्रोटीन हो या कुछ भी जो जरूरत की चीजें होती हैं होते उन्हें खून के द्वारा ब्लड के द्वारा पहुंचा दी जाती है। इसी तरह पानी इसमें आप के जो भी खनिज होते हैं इन्हें सभी भागों तक पहुंचा देते हैं पेड़ों में। ठीक है, पत्ती। अपने आसपास के पौधों की पत्तियों को देखकर अपने नोटबुक में उनके चित्र बनाएं। क्या इन सभी की आकृति आकार एवं रंग एक जैसे हैं? यह तने से किस प्रकार जुड़ी है? पत्ती का वह भाग जिसके द्वारा वह तने से जुड़ी हुई होती है फड़ बेंत कहलाता है। क्या कहते हैं? फड़ बेंत। पत्ते के चपटे हरे भाग को फलक कहते हैं। पत्ते के चपटे भाग को क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। क्या आप अपने आसपास के पौधों की पत्तियों में इन भागों की पहचान कर सकते हैं? क्या आप सभी पत्तियों में पर्ण बंध होता है? ये पटल हो गया, ये तना हो गया, वो ये पर्ण बंध हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग पत्ती के विषय में। और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए उसकी छाप लें। यदि आप सोचते हैं कि पत्ती विशेष छाप नहीं छोड़ सकती तो यह क्रियाकलाप आपको पुनर्विचार पर मजबूर कर देगा। एक पत्ती को एक सफेद कागज अथवा अपनी कॉपी के पन्ने के नीचे रखिए इस तरह तरीके से एक ही स्थान पर दबाकर पकड़ कर रख लीजिए। अपनी पेंसिल को तिरछा पकड़िए तथा इसकी नोक से कागज के उस भाग को जिसके नीचे पत्ती है धीरे धीरे रगड़िए। क्या आप कुछ रेखाओं के साथ छाप दिखाई देती है? क्या यह छाप पत्ती की तरह है? पत्ती की रेखित संरचना को सिरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सिरा। क्या आपको पत्ती के
मध्य में एक मोटी सिरा दिखाई देती है, इसे हम लोग मध्य सिरा कहते हैं। पत्तियों की सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यदि यह डिजाइन मध्य सिरा के दोनों ओर जाल जैसा है तो यह सिरा विन्यास जालिका रूपी कहलाता है। आपने देखा होगा कि घास की पत्तियों में यह सिराएं एक दूसरे के समांतर हैं, ऐसी सिरा विन्यास को समानांतर सिरा विन्यास कहते हैं। विभिन्न पौधों की पत्तियों को बिना तोड़े उनके सिरा विन्यास का अध्ययन करना है। आवश्यक सामग्री साग पौधा, पॉलीथिन के दो पारदर्शी थैले तथा कुछ धागा। ये पत्तियों में सिरा विन्यास है और ये आपका जालिका रूपी हो गया और बी में आपका समानांतर हो गया। इसकी क्रियाकलाप को दिन के समय करना चाहिए जब धूप खिलती हो। इस क्रियाकलाप के लिए आपको स्वस्थ भली भांति सिंचित और धूप में रखे हुए पौधों को लेना चाहिए। किसी पौधे की पत्ती वाली शाखा को चित्तानुसार एक पॉलीथन की थैली में से ढककर धागे से बांध दीजिए। दूसरे पॉलीथन की खाली थैली पर भी धागा बांधकर धूप में रख दीजिए। कुछ घंटों के बाद पॉलीथिन की थैली के आंतरिक पृष्ठ को ध्यानपूर्वक देखिए। आप क्या देखेंगे? क्या किसी थैली के अंदर जल की बूंदें दिखाई देती हैं? किसी थैली में जल की बूंदें दिखाई देती हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह बूंदें कहाँ से आई? क्रियाकलाप के बाद पॉलीथिन की थैली को हटाना मत भूलें। इस तरह पारदर्शी करो। पत्तियां क्या कार्य करती हैं? जल की बूंदें पत्ती से, याद रखिए, जल की बूंदें पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं। इस क्रिया को हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। देखिए, यहाँ आपकी वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा बताई गई है। जल की यह बूंदें जो पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। इस विक्रम के द्वारा पौधे बड़ी मात्रा में जल को वायुमंडल में छोड़ते हैं। आप इस विषय में अध्याय 14 में अच्छे से पढ़ेंगे। हमने पत्तियों के ऊपर थैली को क्यों बांधा था? क्या पौधे को वाष्पोत्सर्जन से निकली जल वाष्प को हम अन्यथा देख पाते? अध्याय जो 5 था, हमने उसमें पढ़ा था कि जल विभिन्न अवस्थाओं में बदल जाता है। क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? उस विक्रम का नाम बताइए जिसके कारण जल की बूंदों के रूप में पुनः पॉलीथिन की थैली पर दिखाई देती है। पत्तियों का और भी कार्य है, इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। आवश्यक सामग्री पत्ती, ब्रांड, स्प्रेन, बीकर, फरक नली, वर्णा जल प्लेट एवं आयोडीन विलयन है। फरक नली में एक पत्ती रखी है तथा उसमें पर्याप्त मात्रा में स्पिरिट डालें जिससे पत्ती उसमें पूर्णता डूबी रहे। अब इस फरक नली को जल से आधे भरे बीकर में रखिए। बीकर को उस समय तक गर्म करते रहिए जब तक कि पत्ती से हरा रंग पूर्णता बाहर नहीं निकल जाता। अब पत्ती को परख निकली से सावधानी पूर्वक बाहर निकाल कर जल से भली भांति धोएं। इसे प्लेट में रखा या आयोडीन विलयन की कुछ बूंदें डालें। आप क्या देखते हैं? आपने पिक्षण किरण की तुलना अध्याय 2 में खाद्य पदार्थों के विभिन्न पोषकों की उपस्थिति का परीक्षण के समय किए गए प्रक्षेपण से कीजिए। क्या इसका अर्थ है कि पत्ती में मंड है? हमने अध्याय 2 में देखा था कि कच्चे आलू में भी मंड उपस्थित होता है। आलू में यह मंड पौधे के अन्य भाग से आकर एकत्रित होता है, परंतु पत्तियां प्रकाश और हरे रंग के कारण कि एक पदार्थ की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं। इस प्रक्रिया में जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं। इस प्रक्रम को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब याद रखिए, यह प्रकाश संश्लेषण को समझाने के लिए इतनी कहानी बताई गई है। इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधों के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संगीत होता है। ये हरी पत्ती है आपकी, बैंगनी रंग, आयोडीन विलयन। अब तक हमने जो भी क्रियाकलाप किया है उनसे हमने देखा है कि तना पत्ती को जल पहुंचाता है, तना पत्ती को जल पहुंचाता है। पत्ती जल का उपयोग अपना भोजन बनाने के लिए करती है। पत्तियों से जल की कुछ मात्रा का ह्रास वाष्पोत्सर्जन द्वारा होता है।
तने और पत्तियों को जल कैसे प्राप्त होता है? यह कार्य जड़ें करती हैं। जड़ें, अब जड़ के बारे में देखना है। पहेली और बूझो ने बूझो में से कौन अपने पौधे को ठीक प्रकार से जल दे रहा है? एक तो क्या लिखा हुआ था कि जड़ से पत्ती में जाता है, तो ये डायरेक्ट पत्ती को दे रहा है, ये आपका जड़ों को ये सही दे रहे हैं। पौधे का कौन सा भाग मिट्टी के अंदर है? आइए निम्न क्रियाकलापों के द्वारा पौधे के इस भाग के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। आवश्यक सामग्री: 2 गमले, कुछ मिट्टी, खुरपी, ब्लेड अथवा कैंची एवं जल। यह क्रियाकलाप 4 से 5 विद्यार्थियों के समूह में करना चाहिए। बगीचे से किसी खरपतवार के एक जैसे 2 पौधे सावधानी से उखाड़िए। ध्यान रहे कि उनकी जड़ों को कोई क्षति न पहुंचे। खरपतवार के एक पौधे को एक गमले में मिट्टी डालकर लगा दीजिए, दूसरे पौधे की जड़ों को काट कर दीजिए। अब इसे दूसरे गमले में लगा दीजिए, इसे नियमित रूप से जल दीजिए। एक सप्ताह पश्चात इनका परीक्षण कीजिए, क्या दोनों पौधे स्वस्थ हैं? दोनों पौधों में नियमित रूप से जल दिया गया, परंतु एक की जड़ नहीं थी। क्या आप इस क्रियाकलाप से जड़ के एक महत्वपूर्ण कार्य के विषय में जान पाते हैं? जड़ का एक अन्य कार्य जानने के लिए आइए एक और क्रियाकलाप करें। मक्का और चने के बीज, रुई कटोरी तथा जल। 2 कटोरियां लीजिए, इनमें भींगी हुई रुई रखिए। एक कटोरी में चने के 3-4 बीज और दूसरी में मक्का के दाने रखिए। जल डालकर रुई को हमेशा नम रखिए, जब तक कि बीज अंकुरित होकर नवोद्भिद नहीं बन जाते। एक सप्ताह बाद इन्हें खींचकर रुई से बाहर निकालने का प्रयास कीजिए, क्या नवोद्भिद सरलता से रुई से बाहर खिंच जाता है? क्यों? क्रियाकलाप 6 में हमने देखा है कि हम पौधों को भूमि से खींचकर आसानी से नहीं निकाल पाते, उन्हें मिट्टी खोदकर निकालना पड़ता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूत से जमाए रखती हैं, जकड़े रखती हैं। इन्हें मिट्टी में पौधे का स्थिरक कहा जाता है। आपने देखा है कि तने एवं पत्तियां विभिन्न प्रकार की होती हैं, क्या जड़ों में भी विविधता दिखाई देती है? आइए अब इसका भी पता करते हैं। ध्यानपूर्वक प्रेक्षण कीजिए। अब चने के पौधों की जड़ों को देखिए, क्या यह चित्र 7.16 एक के समान दिखाई देता है? इस तरह, अथवा चित्र की तरह। मक्का के पौधे की जड़ें कैसी हैं? जड़ों की आकृतियों के चिन्ह चित्र के साथ मिलान कर खाली स्थान में मक्का एवं चना लिख दें। ये आपका मक्का हो गया, ये चना हो गया, ठीक है। चने एवं मक्का की जड़ों में क्या समानता है? वे किस रूप से मैं एक दूसरे से भिन्न है? ऐसा प्रतीत होता है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं। क्या जड़ों की कुछ और भी प्रकार है? आइए इसका भी पता लगाएं। पता है इसमें पूरा क्रियाकलाप से प्रैक्टिकली समझाया गया है, ठीक है। तो आप लोगों को वो बोरिंग लग रहा होगा, मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि एक सप्ताह में कक्षा 8वीं तक की NCERT आप लोग पढ़ के ख़त्म कर सकते हैं आराम से। और इसमें हम बताएंगे तो हमें लेक्चर बाई लेक्चर बताना पड़ेगा, ठीक है, चैप्टर बाई चैप्टर, तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं कर तो रहा हूँ, करता रहूँगा इसी तरह, ठीक है। आप जहाँ से भी आपको सहूलियत लगे वहाँ से पढ़ते रहिए। क्रियाकलाप 9 को देखते हैं। खुले मैदान में जाइए जहाँ बहुत से खरपतवार उग रहे हैं। कुछ खरपतवार पौधों की मिट्टी खोद कर निकालिए और जड़ों से मिट्टी धोकर अलग कर उनका निरीक्षण कीजिए। क्या आपने ध्यान दिया है कि सभी खरपतवार पौधे की जड़ें या तो चित्त की तरह ए की तरह हैं या चित्त बी की तरह हैं, ठीक है, ऊपर जो देखा है ना उनकी तरह। जिन पौधों की जड़ें 7.17 ए की तरह हैं इस तरह, और बी ए की तरह, उनकी मुख्य जड़ को क्या कहते हैं? मूसला जड़ कहते हैं। इसको हम लोग मूसला जड़ कहते हैं। अब इतना समझ में, कितनी कहानी इसलिए बताई कि मूसला जड़ की
आपको परिभाषा पता चल सके, आखिर मूसला जड़ होती क्या है इसके बारे में पता चल सके। दूसरी है छोटी जड़ों को पार्श्व जड़ कहते हैं। ये है जिन पौधों की जड़ें 17B के समान होती हैं, उन्हें कोई मुख्य जड़ नहीं होती है। सभी बड़े जड़ें एक समान दिखाई देती हैं, इन्हें हम लोग जकड़ा जड़ या अथवा रेशेदार जड़ कहते हैं। एकत्रित किए गए खरपतवार पौधे को उनकी जड़ के आधार पर दो समूहों में छांटिए, मूसला जड़ वाले पौधों को समूह ए में और रेशेदार जड़ वाले पौधों को समूह बी में रखिए। समूह ए के पौधों की पत्तियों को देखिए, इसका सिरा विन्यास किस प्रकार है। समूह बी के पौधों की पत्तियों का सिरा विन्यास किस प्रकार है। क्या आपने ध्यान दिया है कि पौधों की पत्तियों के सिरा विन्यास एवं जड़ के प्रकार में एक रोचक संबंध है। क्या उस सभी पौधों जिनका आप अध्ययन कर रहे हैं चुके हैं कि पत्तियों का सिरा विन्यास एक जड़ के प्रकार को साइड दो में भर सकते हैं। हमने देखा है कि जड़ें मिट्टी से जल का अवशोषण करती हैं तथा तना जल एवं खनिज को पत्ती एवं पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। पत्तियां भोजन संश्लेषित करती हैं, यह भोजन तने से होकर पौधे के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। इस प्रकार की कुछ जड़ें जैसे गाजर, मूली, शकरकंद, शलजम, टेपियोका आदि को हम खाते हैं। हमें पौधों के अन्य भागों को भी खाते हैं जहाँ भोजन भंडारित होता है। वह आपको बता दें, फिर से बताऊंगा कि जिस तरह हमारे शरीर में देखा होगा आपने कि हर भाग को प्रोटीन हो, फिर चाहे वो कोई खनिज लवण हो, कोई भी हो, उसकी ज़रूरत होती है, तो खून ब्लड के जरिए पहुंचा दिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह धमनियों द्वारा। या तो इसी तरह पौधे का भी भाग होता है कि जहाँ उसे ज़रूरत होती है खनिज की, उस वहाँ पहुँच जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि तना दो तरफा मार की तरह कार्य करता है। तने से कोई कौन से पदार्थ ऊपर की ओर जाते हैं और कौन से नीचे की ओर आते हैं, अगले परिच्छेद में हम उसकी रचना का अध्ययन करेंगे। यह पुष्प गुलाब के पौधे के तीन आरेख 7.19 ABC में दर्शाए गए। कौन सी स्थिति में आप पौधे को भली भांति पहचान सकते हैं। क्यों 7.1 में पौधों पुष्प को रंगने के लिए आपसे किस रंग का प्रयोग किया था। क्या सभी पुष्प रंग बिरंगे होते हैं। क्या आपने घास, गेहूं, मक्का, आम अथवा अमरूद के पुष्प भी देखे हैं। क्या वे चटकीले हैं। आइए कुछ पुष्पों का अध्ययन करते हैं। ये है आपका गुलाब, पत्ती विहीन है, ये आपका पत्ती सहित है, और ये आपका पत्ती एवं पुष्प दोनों सहित है। क्रियाकलाप 10। आवश्यक सामग्री का एक पुष्प कलिका तथा निम्न में से किसी पौधे के दो पुष्प धतूरा, गुड़हल, गुलाब, सरसों, बैंगन, भिंडी, गुलमोहर, एक ब्लेड स्लाइड का अथवा कागज, आवर्धक लेंस एवं जल इसमें प्रयोग करेंगे। ठीक है, ध्यानपूर्वक अवलोकन करें इस पुष्प का। ये पंखुड़ियां है आपकी, ये बाह्य दल है। खिले हुए पुष्प का प्रमुख भाग कौन सा है। यह पुष्प की पंखुड़ियां हैं। विभिन्न पुष्पों की पंखुड़ियां अलग अलग रंगों की होती हैं। आपके विचार में कलिका में यह पंखुड़ियां कहाँ बंद थीं। कलिका प्रमुख भाग कौन सा था। क्या आपने ध्यान दिया है कि यह भाग छोटी पत्ती की भांति दिखाई देता है। इन्हें हम लोग बाह्य दल कहते हैं। पुष्प के बाह्य दल एवं पंखुड़ियों का भली भांति अवलोकन करना है। इसमें कितने बाह्य दल हैं, क्या ये आपस में जुड़े हैं अथवा स्वतंत्र हैं। बाह्य दल एवं पंखुड़ियाँ किन रंगों की होती हैं। आपके फूल में पंखुड़ियाँ की संख्या कितनी है। क्या वे एक दूसरे से जुड़ी हैं अथवा स्वतंत्र हैं। क्या जुड़े हुए बाह्य दल वाले पुष्प की पंखुड़ियाँ अलग अलग हैं या संयुक्त। अपनी कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा पुष्प के अध्ययन संबंधी प्रक्षेपण करना है। गुलाब जैसे बाह्य दल की संख्या अनेक है, रंग इसका लाल, पंखुड़ियों के रंग 5 हैं, ठीक है, पंखुड़ियों से जुड़ी हैं पृथक हैं।
पुंकेसर स्वतंत्र अथवा पंखुड़ियों से जुड़े हैं, स्वतंत्र है। स्थिति के सर उपस्थित हैं, उपस्थित हैं इसमें। विद्यालय अथवा किसी अन्य बगीचे में जाकर विभिन्न पुष्पों का अध्ययन कीजिए। अपने प्रेक्षण की सारणी में लिखें। इस सारणी के अंतिम दो कॉलम भरें। आप वास्तव के पुष्प के आंतरिक भाग को स्पष्ट रूप से कब देख सकेंगे? जब पंखुड़ियां जुड़ी हों अथवा जब भी स्वतंत्र हों। उदाहरण के लिए धतूरे एवं अन्य घंटाकार पुष्प की पंखुड़ियों को लंबाई में काटकर आप पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पुष्प के आंतरिक भागों को स्पष्ट रूप से देखने के लिए बाह्य दल की पंखुड़ियों एवं पंखुड़ियों को हटा दीजिए। इस तरह पुष्पों में पाए जाने वाले विविध प्रकार के पुंकेसर दिखाए गए हैं। ये आपके पराग पुष्प, ठीक है, ये आपके पुंकेसर हैं, ये आपके स्त्री केसर। क्या पुंकेसर के दोनों भागों को पहचान सकते हैं? अपने पुष्प में पुंकेसर की संख्या ज्ञात कीजिए। एक पुंकेसर का चित्र बनाकर उसे नामांकित करना है। पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को स्त्री केसर कहते हैं। यदि आप इसे पूरी तरह से नहीं देख पा रहे हैं तो पुंकेसर को हटा दीजिए। इस तरह परागकोष और ये आपका तंतु, क्या है, परागकोष और तंतु। ये आपका वर्तिकाग्र है, ऊपर आपका वर्तिका है, वर्तिकाग्र, और ये आपका अंडाशय है। अपने पुष्प के स्त्री केसर का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाना। आइए अब हम पुष्प के अंडाशय की रचना का अध्ययन करें। यह स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग होता है। इसकी आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए इसे काटना पड़ता है। यह जानने के लिए कि अंडाशय को किस प्रकार काटा जा सकता है, अंडाशय को एक स्लाइड एवं अथवा प्लेट पर अनुसार रखकर इस तरह दो प्रकार से काट सकते हैं। अनुदैर्ध्य काट सकते हैं, अनुप्रस्थ। यह आपका अनुदैर्ध्य है, वे अनुप्रस्थ। पूरा प्रयोग के साथ प्रयोगशाला की तरह बताया गया है, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ। आप लोग अगर पढ़ेंगे खुद से तो ज्यादा समझ में आएगा बहुत बेहतर तरीके से। यह आपके बीजांड लंबाई में काटकर और अनुप्रस्थ में काटकर। अंडाशय की काट को सूखने से बचाने के लिए प्रत्येक काट पर जल की बूंदें रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से अंडाशय की आंतरिक संरचना का अध्ययन कीजिए। क्या आपको अंडाशय में छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं? इन्हें हम लोग बीजांड कहते हैं। समझ में आया? इतनी कहानी इसलिए बताई गई कि आप बीजांड को समझें। अंडाशय के आंतरिक भागों को अपनी नोटबुक में चित्र बनाएं। कुछ और पुष्पों का अध्ययन करने के लिए अपने अध्यापक के साथ विद्यालय अथवा किसी पार्क के बगीचे में जाइए और अधिक से अधिक पौधों का अध्ययन कीजिए। पुष्प के नाम जानने के लिए आप माली की सहायता ले सकते हैं। ध्यान रहे कि आवश्यकता से अधिक पुष्प ना तोड़ें। क्या सभी फूलों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर पाए जाते हैं? क्या पुष्प ऐसे भी हैं जिनमें उपयुक्त पुष्पांगों में से कोई भाग नहीं पाया जाता है? क्या किसी फूल में इनसे अलग भाग भी मिलते हैं? क्या आपने ऐसे पुष्प देखे हैं जिनमें बाह्य दल और पंखुड़ियां समान होती हैं? क्या कोई पुष्प ऐसा भी है जिन्हें बाह्य दलों की संख्या एवं पंखुड़ियों की संख्या असमान हो? क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि सभी पुष्पों की संरचना सदैव एक जैसी नहीं होती है? विभिन्न पुष्पों में बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर की संख्या में अंतर हो सकता है। कुछ पुष्पों में इनमें से कुछ भाग अनुपस्थित भी हो सकते हैं। आपने पत्ती, तना एवं जड़ के लक्षण एवं कुछ कार्यों के विषय में पढ़ा इस अध्याय में। हमने विभिन्न पौधों पुष्पों की संरचना का भी अध्ययन किया है। आप पुष्पों के कार्यों के विषय में अगली कक्षा में पढ़ेंगे। हम फलों के विषय में भी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तो अब समझिए यहाँ हमें क्या क्या बताया गया है इस अध्याय में। प्रमुख शब्द आरोही, समवयन, विसर्पिंडलता, रेशेदार जड़, शाख, पार्श्व, मध्य सिरा, सिरा विन्यास, बीजांड, समांतर सिरा विन्यास, पंखुड़ियां, फड़वंत, प्रकाश संश्लेषण, स्त्री केसर, जलिका रूपी सिरा विन्यास, बाह्य दल, झाड़ी, पुंकेसर, मूसलाजड़,
बाष्पोत्सर्जन वेक्ष सिरिया सिरा। याद रखिए, अगर आप लोग एक चैप्टर खत्म कर देते हैं और इसके बाद भी अगर आपको ये शब्दों की परिभाषा समझ में नहीं आए तो आपने या तो ध्यान से सुना नहीं या ध्यान से पढ़ा नहीं चैप्टर, इसका मतलब यही हुआ। तो ध्यान से पढ़िए, पर अगर इन शब्दों की परिभाषा आपको क्लियर हो जाती है तो आप समझ जाइए कि हमारा चैप्टर कंप्लीट है। सारांश, इस चैप्टर का सारांश जो है, सामान्यतः पौधों का वर्गीकरण उनकी ऊंचाई, तने एवं शाखाओं के आधार पर शाख एवं झाड़ियों वृक्ष में किया जाता है। तने पर पत्तियां, पुष्प तथा फल होता है। सामान्यतः पत्ती में फलवृंद और फलक होते हैं। पत्ती में सिराओं का पिति रूप सिराविन्यास कहलाता है, यह जनिका रूपी अथवा समांतर हो सकता है। पत्तियां बाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा जल को वायु में निष्कासित करती हैं। हरी पत्तियां सूर्य के प्रकाश को की उपस्थिति में वायु एवं जल से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाती हैं। जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करती हैं तथा पौधों को मिट्टी में दृढ़ता से जमाए रखती हैं। जड़ें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक आपका मूसला जड़, रेशेदार जड़। जलिका रूपी सिरा विन्यासयुक्त पत्तियों वाले पौधे की जड़ें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि सामान्तर सिरा विन्यास युक्त पत्तियां वाले पौधों की जड़ें रेशेदार होती हैं। तने द्वारा जुड़े द्वारा जड़ों से पत्तियों को जल और पत्तियों से भोजन पौधों के अन्य भागों तक पहुंचता है। पुष्प के विभिन्न भाग होते हैं, बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। इस बुक्स में ये भी अच्छा है कि सारांश दे दिया गया है कि पूरा चैप्टर का जो निचोड़ है उसके बारे में भी आप लोगों को बता दिया गया है। याद रखिए, आपके अभ्यास के लिए क्वेश्चन है, लगाते रहिए, याद रखिए। और पीडीएफ आपकी टेलीग्राम पर डली हुई है, वहां से डाउनलोड करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। तो ये था हमारा सातवां चैप्टर। आगे हम लोग बात करेंगे शरीर में गति, आठवां चैप्टर। ठीक।